8 2021 को अनाज मंडी सिरसा में अंकुश नाम के व्यक्ति, अंकुश जिंदल हैं, उनसे 2,51,000 रुपए की जो है पिस्टल लगाकर और उनसे पैसे लूटे गए थे, बैग स्नैच किया गया था। इस संबंध में हमने सिटी थाना में मुकदमा नंबर 423, धारा 392, 397, 34 IPC आर्म्स एक्ट के अंडर हमने मुकदमा दर्ज किया था। और इसमें हमारे SP साहब डॉक्टर अर्पित जैन जी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था इसको करने के लिए, CIA सिरसा, सिटी सिरसा और साइबर की टीम में। तो जो है सभी टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया और CIA सिरसा ने कल इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो इस वारदात में इन्वॉल्व थे। उन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं, एक जो है सचिन उर्फ नोनी पुत्र रघुनाथ जो कीर्ति नगर गली नंबर 7 का रहने वाला है, नंबर 2 महान उर्फ महाना पुत्र रोहताश वो भी सिरसा का रहने वाला है, अक्षय पुत्र रामस्वरूप वासी सुख सागर कॉलोनी बेगू रोड सिरसा, और जो फोर्थ है उसका नाम है दीपक उर्फ टीपू पुत्र मोहनलाल वासी सुख सागर कॉलोनी सिरसा। ये जो हैं ये 4 व्यक्ति इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं। तो जो हमारे सामने आया है कि इन्होंने ये आपस में बैठ के प्लानिंग की और इन चारों का ये था कि इन्हें पैसे की आवश्यकता थी, और इस जो अंकुश है उसके बारे में इन्होंने पता लगा कि भाई ये पैसे अपने पास कैरी करता है बैग में, और 10 12 दिन से ये इसके प्लानिंग कर रहे थे। और इन्होंने रेकी भी की है, वारदात से पहले दिन भी रेकी की है और जिस दिन वारदात की है उससे पिछले दिन ये इसकी शॉप पे भी जाके और जो इसका सीमेंट वगैरह की शॉप है उस पे जाके रेट वगैरह भी पता करके आए हैं। और जो जिस दिन वारदात हुई है 21 तारीख को, तो उस दिन जो दीपक नाम का व्यक्ति है ये बाहर शॉप के बाहर बैठा था कि जैसे ही अंकुश आए तो वो इनको सूचना दे कि भाई वो आ गया है। और जो सचिन नाम का व्यक्ति है जिसकी एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान उसकी पहले तो इधर मंडी के पास थी और अब ऑटो मार्केट में है, तो ये सचिन है, ये बाइक चला रहा था। और जो बाकी दोनों व्यक्ति रह गए हैं अक्षय और महान, ये वो व्यक्ति हैं जो एक्चुअली दुकान के अंदर गए और जिन्होंने उसको पिस्टल दिखा के पैसे स्नैच किए हैं। अक्षय के हाथ में जो अब तक पूछताछ में आया है कि अक्षय के हाथ में पिस्टल थी और महान ने जब वो पिस्टल उसने दिखाई तो उसने वो बैग स्नैच उससे लिया अंकुश से, और वो उसके बाद जो है सचिन की बाइक पे बैठ के वहाँ से भाग गए। तो ये इसमें फिलहाल जो है एक पिस्टल 315 बोर और 2 कारतूस रिकवर किए गए हैं, और इसमें आगे जो रिकवरी है जो जो लूट की राशि है 2,51,000 रुपये इनका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के दौरान मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिकवरी है वो की जाएगी। अभी कुछ बरामदगी हुई है सर, पैसे की बरामदगी? अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, रिमांड लिया जाएगा और फिर इसका बैकग्राउंड भी इनका। हाँ उसका चेयर इन्होंने कैसे किया? हाँ टारगेट अंकुश को क्यों बनाया गया, इसके मन में क्या इनके प्रति क्यों कोई और व्यक्ति हो सकता था इनके तो ये उनका ये है कि ये जो सचिन है ये जानता था कि भाई ये अंकुश अपने पास पैसे कैरी करता है, तो इट वाज इजी टारगेट फॉर देम कि ये ही कैरी, सचिन को पता था। और कहाँ LIC बैंक का LIC ऑफिस है तो वहाँ पे इसको पता लगा था, ये वहाँ जाता है और पैसे निकालता है वहाँ से। तो उसका देवर क्लियर कि ये बंदा कुछ 2-3 लाख या 4 लाख रुपए यूजुअली एवरी डे कैरी करता है, तो इसलिए इनको इजी लगा और उन्होंने इसको टारगेट किया। तो इनमें से किसी का बैकग्राउंड है? देखिए इसमें जो अब तक आया है सचिन के खिलाफ हैं मारपिटाई के 2 केसेस हैं, लड़ाई झगड़े के, हाँ जी सिरसा में, बाकी 3ों खिलाफ अभी ऐसा कोई केस नहीं आया है। हम देख रहे हैं रिकॉर्ड, इन केस कोई आता है हम आपको जरूर बताएंगे। तो मास्टरमाइंड सर सचिन सामने आया, उसने सारा बंदा तय किया सब? हाँ ये लगाइए कि भाई जैसे इसकी प्लानिंग इसी की थी, बंदा उसने तय किया ये, फिर इसके ये चारों मित्र थे तो ये टीम बन गई इनकी और आगे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। क्या कहना चाहते थे सर ये पैसे से?
देखिए नशा की बात अभी कोई सामने नहीं आई है, यही है कि आर्थिक तंगी के कारण, या मतलब चोरी किस लिए करते हैं, पैसे के लिए चोरी करते हैं। एजुकेशन कितनी है सर इसमें? जो ये कपिल है ये तो बीए पास है, बाकी जो महान और अक्षय हैं ये जो बता रहे हैं कि हम सातवीं पास हैं, और वो आरोपी जो दीपक है चौथा वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ सचिन ने तो बीए की हुई है, मैंने आपको बता दिया। कहाँ से की है सर? क्या से? नहीं डिग्री मैंने चेक नहीं की, इनकी वो हम आगे रिमांड के दौरान चेक करेंगे। अच्छा अरेस्ट सिरसा से ही अरेस्ट किया गया, ठीक है।